केंद्र में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद विदेश से पहले उच्च स्तरीय दौरे में चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज से दो दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। वांग यी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी करेंगे मुलाकात। तेलुगु देशम नेता चंद्रबाबू नायडू राज्य के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की आज शाम लेंगे शपथ। विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच नागार्जुन नगर में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के बड़े नेताओं के भी हिस्सा लेने की संभावना। मुंबई में मेट्रो रेल सेवा शुरू। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने वर्सोवा से घाटकोपर के बीच 11.4 किलोमीटर मेट्रो रेल सेवा का हरी झंडी दिखाकर किया उद्घाटन। सरकार और रिलायंस के बीच मेट्रो किराया विवाद सुलझाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित। बदायूं दुष्कर्म मामले में चौतरफा हमला झेल रहे उत्तर प्रदेश सरकार ने बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अतुल सक्सेना को किया निलंबित। राज्य सरकार ने एक बड़ा फेरबदल करते हुए 66 आईएएस और 42 आईपीएस अधिकारियों के किए तबादले। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के दादरी नगर पालिका परिषद की चेयरमैन के पति और स्थानीय बीजेपी नेता विजय पंडित की बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने शनिवार को दादरी में की हत्या। घटना से गुस्सा समर्थकों ने दादरी में जमकर तोड़फोड़ की और 6 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कल एक व्यक्ति की निशानदेही पर रांची में 18 बम बरामद किए। इस व्यक्ति को पटना में पिछले साल हुई नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान कई बम धमाकों के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है। आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में योगेंद्र यादव और नवीन जय हिंद का इस्तीफा नामंजूर। बैठक में उन्हें दोबारा अपने पद और कार्य संभालने के लिए कहा गया है और इस पर दोनों नेताओं ने सहमति दे दी है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि महिला आरक्षण उनकी प्राथमिकताओं में होगा और वे सभी दलों के सहयोग से सदन की कार्यवाही को चलाएंगी। मिस्र में आज पूर्व सेना अध्यक्ष अब्देल फतेह अल सिसी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वे कायरो में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इटली के कोस्ट गार्ड्स ने शनिवार को सिसली जलमड्रू मध्य के इलाके से 300 से अधिक प्रवासी यात्रियों को एक जहाज से निकाला। खराब मौसम के कारण दुर्घटना के अंदेशे को देखते हुए इन प्रवासियों को निकाला गया। दक्षिण अफ्रीका के मेहमान नेता नेल्सन मंडेला के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की। उत्तर भारत में जारी गर्मी का कहर, राजधानी दिल्ली में पारा 47 डिग्री के पार, 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मौसम विभाग ने कहा गर्मी से राहत मिलने की फिलहाल संभावना नहीं। रूस की मारिया शरापोवा ने रोमानिया की सिमोना हेल्प को हराकर जीता महिलाओं का खिताब। पुरुषों के फाइनल में आज होंगे राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच आमने सामने।